we care of our associates. एक बहुत खूबसूरत मैसेज, जब कोई नया व्यक्ति बिजनेस में आता है हम लोग उसका ऐसा ख्याल रखते हैं। कितने लोग रखते हैं? पक्का गलत बात, झूठ बहुत ज्यादा लोग आते भैया। अगर रखा होता ना तो अभी हॉल में जगह नहीं होती यार, समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है यार, अब तो लोग नहीं ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे जा पा रहे हैं। भाई आपने क्या उनको ऐसे सींचा है? बिल्कुल नहीं। लोगों को लोग आते हैं, उसके बाद आप उनसे दरकिनार हो जाते हैं, आप उनसे किनारा कर लेते हैं, आप उन्हें छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी फेलियर, सबसे बड़ी असफलता यही है मेरे दोस्त, कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको आपको ऐसे सींचना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। जो नया व्यक्ति बिजनेस में आता है उसे नहीं पता। जब बच्चा पैदा होता है ना, वो सबसे ज्यादा हालत किसकी खराब करता है? मां की करता है। इतना रोता है, पहले बच्चा रोता है, मां परेशान है, बाद में मां रोती है, बच्चा परेशान नहीं होता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बाद में ना, जैसे मैं अभी देखता हूँ मेरी मां बेचारी, जब भी फोन करो याद आ रही है, रो रही, पिताजी नहीं रो रहे, कौन रोती है? मां ही रोती है। मां बेचारी पर जब से बच्चा होता ना, कि अभी पेट में जैसे ही एंटर हुआ वो तब से तकलीफें देना शुरू करता है। किसको? मां को। गलत बोल रहा क्या? तब से पहले बेचारे का तबियत खराब हो जाता है, फिर वो जो पेट जब थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, सोने में, उठने में, चलने में बड़ी परेशानी होती है ना, फिर हो जाए, फिर वो सला रोने धोने में परेशान करता है, फिर उसका टॉयलेट साफ, और माँ की तो जिंदगी उसी में निकल गई। मैं हम मर्दों की जिंदगी बड़ी अच्छी है, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि अब मैं मर्द हूँ, कहीं औरत नहीं हुआ, हालत खराब हो जाती है। हम तो मजे में, हमारी बीवियों की जो हालत खराब हो रखी है हम उसका बड़ा मजा लेते हैं, बहुत ज्यादा मजा, सुकून देता है, तब लगता है जो हमारा पैसा उड़े कम मजा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बच्चा जब पहले कैसे परेशान करता है, अगर बीमार भी होता तब माँ को ढूंढे, समझ आ रही है? और स्कूल का इतना होमवर्क होता है, उसका प्रेशर भी किस पे? हमारे में नहीं, मेरे को कुछ मेरे मुझे नहीं आता भाई, मुझे सिर्फ पैसा कैसे कमाना है वो आता, अगर वो जानना है तो वो बता दे, बाकी भैया मुझे कुछ भी नहीं, और मुझे पता है इनके भी वही हाल होगी, रोहित सर के वही हाल होंगे और आपके भी वही हाल होंगे। सही जगह नहीं, हम सिर्फ पैसा कैसे कमाना है वही बता सकते हैं, बाकी औरतों को ना आते हुए सीखना पड़ता है। गलत बोलूं क्या? तो उनके हालात देखने बड़ा मजा आता है, बहुत मजेदार। तो भैया खुश नसीबी है हम लोगों की, कि भाई हम लोग क्या पैदा हुए, मर्द पहले औरत होते ना, चीजें उतर जाते आप लोगों को, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो भाई आज के बाद थोड़ा कोशिश करो कि जितने भी नए लोग आए उनको ऐसा सींचना, क्योंकि आज ये छोटा पौधा कब ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, कब ये आपको फल देना शुरू करेगा, कब ये आपको छांव देना शुरू करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैंने पहले भी कई बार ट्रेनिंग में कहा है कि एक बच्चा जिसको आप अपना खून, बुढ़ापे का सहारा, मुझे नहीं पता वो सहारा होगा या नहीं, लेकिन हम लोग कहते तो यही है ना, कहते हैं ना कि वो बुढ़ापे का सहारा होगा मेरा, बुढ़ापे की लाठी, उस लाठी को पता नहीं भैया, वो लाठी को कोई और ही बाबू शोला खींच के लेके जाए, पता भी नहीं चलेगा। सही कह रहा नहीं कह रहा? लेकिन एक वो बच्चा जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं, और एक ये बच्चा जो बिजनेस में आता है, वो बच्चा अभी आया नहीं है धरती पे, अभी किधर है? किधर राजेश, किधर है बच्चा, किधर है अभी? अभी वो माँ के पेट में है, और खर्चे का मीटर वो चालू, खर्चे का मीटर पता नहीं, डिलीवरी से पहले 3-4 बार तो अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कि बच्चा तभी हेल्दी आएगा जब माँ अच्छा अच्छा खाएगी, फिर माँ को अच्छा अच्छा खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, सब बढ़िया बढ़िया खिलाना पड़ता है। किस लिए भाई? बच्चा अच्छा। अरे अच्छा बच्चा नहीं होता, अच्छे उसके कर्म होते हैं। समझ आया नहीं? अच्छे क्या होते हैं? कर्म होते हैं।
काला गोरा नाटा लंबा छोटा मोटा उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ आया नहीं है? उससे कोई लेना देना नहीं। आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए। तो सोच देखो जो बच्चा भी पेट में है, पेट में ही उसने खर्चे का मीटर जो है माँ बाप का बढ़ाना, दुखों का बढ़ाना, गलत बोल रहा हूं क्या? पेट में ही शुरू हो गया खर्चा खर्चा। फिर पैदा होगा उस पे खर्चा, स्कूल जाएगा उस पे खर्चा, शादी होगा उस पे खर्चा। समझा गया? उसका तो बीवी लेके कहीं और चल जाए, माँ बाप कहीं और। क्यों संजय? सही बोल रहा हूं ना कि संजय यही कह रहा है, माँ बाप गाँव में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये वो बच्चा है जिसको हमने क्या किया, अपने खून पसीने से सींचा। सही है? अब दूसरी तरफ आओ, दूसरी तरफ है ये बच्चा जो हमारे साथ बिजनेस में आया। मिसाल के तौर पे आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं संजय को लेकर चल सकता हूं, शशि खान को, रवि को, सतीश को, सभी। अब ये बच्चे हैं, ये मेरे अपने नहीं है, लेकिन ये बिजनेस के। समझाया ना? मैंने कभी इन पे खर्चा नहीं किया, लेकिन हाँ इनकी वजह से आज मुझे सिर्फ मिल रहा है, मिल रहा है। मैं इनको नहीं देखता हूं, लेकिन इनकी वजह से जितना भी करेंगे उसका फायदा मुझे भी आएगा ना। तो कौन सा बच्चा अच्छा? कौन सा जो खर्चे का, जो खर्चे का मीटर बढ़ाया या जो इनकम का मीटर बढ़ाया? तो भैया आज के बाद जितने भी लोग आपके साथ बिजनेस में आए उनकी केयर करो, उनका ख्याल रखो, उनसे मिलो, उनको समझाओ, उनको बताओ ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस क्या दे सकता है। समझे ना? समझे? चलिए नेक्स्ट फिनिश। कभी होगा ऐसा? होगा कभी ऐसा? यार मैं जैसे जीत गया, मैं गिरो जीत गया, मैं 2 लाख हफ्ता मार लिया। कभी आ गया? मैं डायमंड शिफ्ट कर लिया, मैं रैंक 1 कर लिया, मैं रैंक 2 कर लिया। कभी आ गया ऐसा? सभी की आवाज सो रहे क्या? भेजू बीच बीच में लोगों को चेक कराने के लिए, सोच रहे हैं आप लोग? कभी ऐसा समय आएगा क्या? कभी आप भी बोलो यार हमने भी ये चीज हासिल कर ली? होगा मेरे दोस्त, अगर ये चीज, ये फिनिश अगर चाहिए आपको, तो भैया एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, दौड़ना तो 40 साल या फिर 40 साल या फिर 40 साल या फिर मेरे अंदर 40 वाली हिम्मत नहीं है भाई। 4 साल तो मैं हुआ ही नहीं उसके लिए कर, मैं तो शुरू से बड़ा काम चोर आदमी, मैं तो पढ़ता भी नहीं था। मैंने कई बार बोला मैं पढ़ता उतना था जितने मैं अगली क्लास में जा सकूं, शशिकांत मैं उतना ही पढ़ता था जितने कि पास हो सकूं। समझ आया क्या? मैं नौकरी भी करता था, मैं वहां भी जब कॉल लेनी होती थी मैं 200 कॉल का टारगेट होता था दिन का, मैं वहां भी 100-150 कॉल में निकल जाता। मुझे भैया काम पसंद नहीं है। समझ आ गया कि भैया खतों की तरह मजदूरी करो, 40 साल भागो, हमें तो कितने वाला चाहिए? 4 साल के लिए तो सेफ शॉट जैसा बिजनेस करना पड़ेगा मेरे दोस्त, बिना इसके 4 साल वाला भाग दौड़ नहीं हो पाएगा। अगर 4 साल सेफ शॉट नहीं किया तो फिर किधर जाना पड़ेगा? 40 साल जाना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? समझ आ रहा नहीं आ रहा? देखो भाई हमारे माँ बाप के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं आज जब भी घर में जाता हूँ, मैं अपने पिताजी के साथ बैठता हूँ, तो वो सुनाते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत की, उतनी मेहनत की। तो मैं बोलता हूँ पापा देखो वो दौर और था, उस दौर की मेहनत अलग थी, उस दौर की परेशानियां कुछ और थी, वहां कुछ अलग तरीके का मेहनत था, वहां पे आपके पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हमारे पास तो है। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होते हुए भी अगर फिर भी हम लोग इस बिजनेस में अपने लिए 4 साल के अंदर रिटायरमेंट नहीं प्लान कर सके, तो फिर भैया हमसे बड़ा गधा कोई और नहीं। समझ आया क्या? मैं एक चीज कहता रहता हूं कि हमें भैया रेस के घोड़े बनना है। क्या बनना है? रेस के घोड़े।
घोड़े बनना है, बोझ वाले गधे नहीं। तो भैया बोझ ही ढोते रह जाएंगे, समझ आया क्या? एक नौकरी वाला कितना खुश होता, अरे मेरी 10 साल नौकरी लग गई। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए भाई? अरे आपको खुश नसीब में बोला यार मुझे सेफ जॉब मिल गई, कितने साल के लिए? 4 साल में क्या बन जाऊंगा? करोड़पति बन जाऊंगा दोस्त, करोड़पति बन। खुश नसीब हम लोग, खुश नसीब। अरे हमारे पिता खुश नसीब ना रहे ही दुनिया में। हम लोग जो मल्टीलेवल मार्केटिंग करते हैं, हम लोग जो सेफ जॉब बिजनेस करते हैं, हमसे पूछो ना कि क्या ताकत इस बिजनेस की। घर में सोए हैं बैठे हैं, पैसा आ रहा है। समझा क्या? बड़ी खुशी होती है जब मोबाइल में मैसेज आता है ऑन द स्पॉट से रूल्स। क्यों मनीष? ठाकुर ने पीछे 800-900 था मनीष कुछ, और 9-5-40-4000 था। सही कह रहा हूँ? खुशी होती नहीं होती? यही तो खुशी है, यही खुशी है मेरे दोस्त। इसी खुशी के लिए तो हमने सेल्स जॉब किया है ना? यस सर। किया है ना? यस सर। तो बस वही चीज आपको सोचना कि ये बिजनेस है, यहाँ सोते हुए भी पैसा आता है, उठते हुए भी आता है, खाते हुए आता है, घूमते हुए आता है, दुनिया में नहीं रहे तब भी आता है। बताओ यार इस बिजनेस को भी करोगे? अगर ये बिजनेस नहीं करोगे तो तुम करोगे क्या? क्या करोगे? तो चीजों को समझने की जरूरत है। समझोगे तो भागोगे। कितने साल? 4 साल या 40 साल? अब मेरे दोस्त देखो, मेहनत 4 साल में भी उतनी ताकत लगती है और 40 साल में उतनी लगती है। जो 40 साल नौकरी करते हैं ना उसकी ताकत भी उतनी लगती है जितने 4 साल वाले। लेकिन हाँ, 4 साल में क्या होता है, दिन रात एक करना पड़ता, पागलों की तरह काम करना पड़ता। नौकरी वाला पागलों की तरह नहीं करता, नौकरी वाला मजे से करता, उसको पता है सारा मैंने जिंदगी काटनी है। लेकिन हमें जिंदगी नहीं काटनी है, हमें अपने सपने जीने हैं, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, हमें अपनी जिंदगी को आलिशान बनाना है। इसीलिए हमको 4 साल मेहनत करनी है, तन मन धन से लगन से काम करना है। तो तैयार है? तो इन 4 सालों में कोई खेत बीच में नहीं आना चाहिए, समझ आए? इन 4 सालों में कोई धान रोपाई बीच में, चलो अगर धान रोपाई भी चल जाए फिर 4 साल नहीं होगा भाई, फिर तो 40 ही होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि भैया 4 साल में इसलिए जिंदगी बदलता है, जब हमने जिंदगी बदला था वो इसी वजह से बदला था क्योंकि 4 साल हमने तैयार किया था, अपने घर का त्याग किया था, अपने खेत खलिहान का त्याग किया था, अपने इच्छाओं का त्याग किया था। क्या आपके अंदर वो त्याग करने की क्षमता है? क्या आप लोग भी त्याग कर सकते हैं? मैंने बहुत सारी औरतें देखी, वो नहीं, बच्चे बच्चे के लिए खाना देना पड़ता, घर में रुकना पड़ता, प्लान में नहीं निकलता। मैंने बहुत सारे जेंट्स लोगों को देखा, नहीं अभी सर तो बड़ा मुश्किल है सर, धान उपाय नहीं करूंगा तो बड़ा मुश्किल। सबने सब पूरे गांव में धान उपाय करते, मेरा ही नहीं हुआ। अरे सर गांव वाले की तरह करेगा तो गांव वाला जैसा रहेगा ना, हमारे जैसा करेगा तो हमारा जैसा रहेगा, सोचना आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 साल या 40 साल ये फैसला आज आपको यहाँ से करना है। करोगे? चलिए वेरी गुड। ये चीज ना बहुत बार मैंने देखी, सोचा चलो आज आपसे शेयर करेंगे। कुछ दिख रहा है? yes, शायद दूर से दिख रहा है, मेरे को नजदीक से ना उतना नहीं दिख रहा क्योंकि स्क्रीन लगा रखी है। दिख रहा है ना? yes, क्या है? आप लोग पता कैसे बात करते हो, कैसे बोल रहे हो? जैसे क्लास में बच्चे ना टीचर बात कर रहा था, फिर बच्चे बस, अरे जोर से बोलो तभी तो पता चलेगा क्या है। चीता, चीता। और क्या है? हिरण। अरे हिरण का बच्चा, बच्चा हिरण जो भी है, कहने को ये ना कि कुछ देर बाद वो नहीं सर, वो मेल हिरण या फीमेल हिरण, फिर हम लोग मेल है फीमेल है, हिरण है और क्या है? चीता। दोनों रेस मारे हैं लेकिन फर्क है इनके दौड़ने में, इनके भागने में फर्क है। कोई बताएगा कौन सा फर्क है? यस सर। कोई एक खड़े होकर बताओ जी सर क्या है? एक लंच के लिए भाग रहा है, जिंदगी के लिए भाग रहा है।
ताली होनी चाहिए। चीता भाग रहा है कि उसे अपनी भूख मिटानी है और हिरण भाग रहा है कि उसको जिंदगी जीनी है। समझ आएगा? और सेब चौपी वही मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग जो आज सेब चौपी काम कर रहे हैं, कुछ लोग को मैं देखता हूँ वैसे काम कर रहे हैं जैसे उनको दाल रोटी चलानी है। सेब चौप कई लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको क्या चलानी है, दाल रोटी चलानी। और कुछ लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे उनको अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। आप कौन सी श्रेणी में? सपने पूरे ऐसे होते हैं, ऐसे होते सपने पूरे। अगर मैं अपनी बात करूं शशिकांत शर्मा, याद करो जरा उस दौर को, शुरुआती दौर को समझ रहा हूँ। अगर हम याद करें जब हम लोग फ्रेशर हुआ करते थे, जब हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की थी, आज दशक जैसे काम नहीं कर रहा जैसे दशक उस टाइम काम कर रहा था। नहीं नहीं दौर वो पागलों वाला टाइम, पागलों की तरह हम लोग मेहनत करते थे। दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे, भागते थे, बस भागना था, कहीं से भी सेल आए बस भागना था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पता नहीं लोगों को क्या ऐसा हो चुका, आज सुविधाएं ज्यादा मिल गई। शुरुआती सेब शॉप में मुश्किल से 5-6 प्रोडक्ट थे, शुरुआती सेब शॉप में मुश्किल से 5-6 प्रोडक्ट थे, सिर्फ सूट बेचे हमने, कपड़ा बेचा। लेकिन उस टाइम हमको लोग पता क्या बोलते थे, सर अगर खाने पीने के आइटम आ जाए ना मजा आ जाएगा। आज खाने पीने वाली आ गई, आज करेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो मैंने एक चीज महसूस किया, जो बहानेबाज होते ना वो अच्छे गोलीबाज भी होते हैं, है ना? बढ़िया गोलियां खिलाते हैं, बढ़िया उनके पास पता है कि क्या क्या बातें करनी है, किस किस तरीके से बहाने बनाने, उन्हें पता है सारी बातें मालूम। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, आज सेल शॉप बहुत अच्छे लेवल में आ चुकी है। आज सेल शॉप बहुत खूबसूरत तरीके से अपने लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया। प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखो, इनकम के हिसाब से देखो, लेकिन सारी चीजें अच्छी हो गई। लेकिन हम लोगों की काम करने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो अच्छा नहीं। तो हमें जरूरत किस चीज की है? तरीका अच्छा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ऐसा नहीं दौड़ो भाई कि शेर की तरह, भाई आप दाल रोटी की नहीं भाग रहे। जो इंसान यहां से जरूरतें पूरी कर रहा ना, उससे बड़ा बेवकूफ इंसान दुनिया का कोई हो नहीं सकता। क्योंकि सेल शॉप जो कंपनी है, एमएलएम बिजनेस जो है, नेटो मार्केटिंग बिजनेस जो हम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो हम करते हैं, अगर आप इसमें जरूरतें पूरी कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई और इंसान, क्योंकि ये इंडस्ट्री, ये कंपनी सपने पूरे करने के लिए है, ना कि दाल रोटी पूरी करने के लिए। समझ आ रहा? लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर भी दाल रोटी में लगे। सपने पूरे होने चाहिए, हर 6 महीने साल के अंदर कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में होना चाहिए, आपके घर में कुछ नए बदलाव देखने में आने चाहिए। पिछले 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल से देख रहा हूं वही का वही जीवन। तो मेरे दोस्त चीजों को कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर रहे। तो इसलिए कैसे भागना है? हिरण की तरह भागना। और हर बार कौन ज्यादा जीता मालूम? हिरण जीता, क्योंकि हिरण जिंदगी के लिए भाग है। सेल शॉप में भी वही आदमी कामयाब होगा जो सपनों के लिए भागेगा, ना कि जरूरतों के लिए भागेगा। समझे? क्लियर हो गया? चलिए।